कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 इसका तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कोई भी मैच हो, यहाँ तो फुटबॉल का उदाहरण है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, हर एक खेल में मैच शुरू होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। तो प्रश्न ये है, सिक्के के हमें मालूम है दो पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और दूसरा होता है पट, यानी एक होता है हेड्स और दूसरा होता है टेल्स। तो सिक्का ही क्यों उछाला जाता है और क्या सिक्का उछालना न्याय संगत है? सिक्का उछालने का मतलब एक टीम एक पार्ट मांगेगी, राइट? तो सिक्के के दो ही पार्ट हैं, या हेड्स या टेल्स या चित्त या पट, राइट? तो दोनों में से एक ही आएगा। इसका मतलब आप ये बताइए कि क्या सिक्का उछालने पर हेड्स के आने के और टेल्स के आने के चांसेस बराबर हैं? Yes, sir. क्योंकि जब सिक्का उछलता है वह गोल है, दोनों तरफ से चपटा है, जब उसको उछाला जाएगा वो रोल करेगा, हम तो नहीं गिन सकते कि वो कितनी बार रोल हुआ, है ना? जितनी बार जैसा भी हमने उछाला तो वो रोल करेगा और उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब वो नीचे गिरकर भी बाउंस करेगा और फिर एक तरफ को बैठ जाएगा, चाहे वो हेड्स आए चाहे वो टेल्स आए। लेकिन यहाँ पर हेड्स के आने के भी उतने ही चांसेस है जितने की टेल के आने के चांसेस है। इसका मतलब यह है हेड के आने की भी उतनी ही प्रायिकता है जितनी टेल के आने की प्रायिकता है। इसलिए हम ये मानते हैं दुनिया भर में, न केवल हमारे देश में, हमारे गली मोहल्ले में, बल्कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि सिक्का उछालने से दोनों ही टीमों के, दोनों ही खिलाड़ियों के जीतने की जो संभावना है, टॉस को जीतने की संभावना है, वह बराबर है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है क्योंकि सिक्का उछालने पर चित्त या पट आने की प्रायिकता बराबर है। इसीलिए दुनिया भर में टॉस करने के लिए, यह निर्णय करने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी या पहले बारी आएगी जिसकी, सिक्का ही उछाला जाता है।